बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आई होप कि आप लोग सब ठीक ठाक होंगे। सो आज का वीडियो शुरू करते हैं। मैं आज बहुत ज़्यादा खुश हूँ क्योंकि आज मेरे चैनल का एक साल कम्प्लीट हो गया है। सो दैट्स व्हाई आई एम वेरी हैप्पी अबाउट दैट। सो इस पूरे साल में मैंने बहुत ज़्यादा कुछ सीखा। कुछ ऐसे लोग मुझे मिल गए जिन्होंने मुझे बहुत ज़्यादा डिस्करेज किया था कि भाई आप ये क्या कर रहे हो, ये क्या ब्लॉग बना रहे हो, ये और वो। लेकिन उसके बावजूद मुझे कुछ ऐसे फ्रेंड्स भी मिल गए जिन्होंने मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया और इनक्रेज किया कि भाई जस्ट डू फॉर यूर ब्लॉग। सो मुझे बहुत हिम्मत मिलता था और सपोर्ट मिलता था उन लोगों से जो मुझे सपोर्ट करते थे। थैंक यू सो मच जिन्होंने मुझे सपोर्ट किया थ्रू आउट पूरा एक साल। अच्छा, तो अगर आप लोग मेरे फर्स्ट व्लॉग को देखोगे। हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। तो गाइस आज पहला व्लॉग बना रहे हैं। तो आज हम जा रहे हैं पेशावर चिड़ियाघर। तो आइए देखते हैं कि कैसा व्लॉग होगा। तो चल, बहुत ज़्यादा डिफरेंस है क्योंकि फर्स्ट व्लॉग में मुझे बात करना भी नहीं आता था। नाउ अल्हम्दुलिल्लाह आई एम टॉकिंग फ्रंट ऑफ कैमरा एंड अ लॉट ऑफ पीपल। मैं अब किसी के साथ बैठकर क्राउड में जाकर मैं बात कर सकता हूँ, ब्लॉग बना सकता हूँ। अच्छा, तो बम टॉपर से हम नीचे आ गए हैं। अच्छा, तो बात यह है कि अभी हम जा रहे हैं नारायण में रात गुजारेंगे, फिर उसके बाद मरी जाएंगे इंशाल्लाह वापस। स्टे ट्यून्ड विद मी। जी, तो नारायण पहुंच गए हैं। आज रात यहाँ पे गुजारेंगे और इंशाल्लाह फिर कल मरी जाएंगे। फर्स्ट लोग में मुझे बात करना भी नहीं आता था। ये बात मैं उन लोगों के कह रहा हूँ जो बिगिनर है, जो कहते हैं कि मैं व्लॉग नहीं बना सकता, मुझे शर्म आती है, ये और वो। जस्ट डू फॉर योर व्लॉग एंड टाइम के साथ सब कुछ ठीक हो जाता है। और जो लोग मुझे कहते हैं कि भाई व्लॉग मत बनाओ, वीडियो मत बनाओ, ये क्या करो, ये और वो, तो वाकई मेरा दिल टूट जाता था कि हाँ भाई मैं ये क्या कर रहा हूँ। लेकिन मैं कुछ दोस्तों का नाम लूँगा, आमिर खटक, रेहान, ईसा खान और इस तरह हमाद भाई, नबीउल्लाह खटक, ये फ्रेंड मुझे मिल गए जो ये लोग भी व्लॉग बना रहे हैं। ये इन लोगों का भी अपना चैनल है, तो मुझे बहुत सपोर्ट किया इन लोगों ने और नाउ अल्हम्दुलिल्लाह मैं अपना व्लॉग कंटिन्यूसली अपलोड कर रहा हूँ। सो थैंक यू सो मच गाइस। और मेरा मैसेज न्यू यूट्यूबर्स के लिए है कि ज़्यादातर यूट्यूबर्स कहते हैं कि भाई यूट्यूब में बहुत पैसा है, तो मैं आप लोगों को ये कह रहा हूँ कि भाई सबसे पहले तवज्जो अपने पढ़ाई पे दो, स्टडी पे दो, उसके बाद एक्स्ट्रा टाइम आपको मिलता है तो उसमें एक्स्ट्रा एक्टिविटी आप कर सकते हो, यूट्यूब या खेल कूद वगैरह। लेकिन फर्स्ट प्रायोरिटी आप स्टडी को दो, पहले पढ़ना है उसके बाद ये एक्स्ट्रा एक्टिविटी करो। सो यूट्यूब चलाना इतना आसान काम नहीं है। सो पढ़ाई पे अपना जहन दो। अच्छा, तो इस ब्लॉग में मैं पूरी सारे के ब्लॉग्स आप लोगों को दिखाऊँगा कि मैंने फर्स्ट ब्लॉग किस तरह बनाए और फिर अभी मैं दूसरा तीसरा जो अभी तक मैं बना रहा हूँ उसका डिफरेंस मैं आप लोगों को दिखाऊंगा कि कितना डिफरेंस आ गया है मेरे ब्लॉग्स में। सबसे पहले मैं आप लोगों को कहूँगा कि आप लोगों को एडिटिंग स्किल अच्छा आना चाहिए क्योंकि ब्लॉग्स बहुत डिपेंड करता है एडिटिंग पे। सो लेट्स इन्जॉय माई वन ईयर परफॉर्मेंस। Sometimes we're not ourselves, there's no one I can turn to. I'm
आखिर में मैं कहूँगा कि प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल, मुझे आप लोगों का बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट्स में अपना राय दीजिए। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई व्लॉग्स। अल्लाह हाफिज़। बाय बाय।